हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो भी आप लोग ऐसे 150 cc या फिर 200 cc में बाइक्स ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है एंड इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को फुल कंपेरिजन मिलने वाला है R5M एंड जो है CVR 150R। सभी को यार जैसे कि पता है कि R5M जो है जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं इसी मंथ के एंड तक, एंड जो है लीक्स के माध्यम से अभी पता चल रहा है कि CVR 150R जो है फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। इसके बारे में आज एक फुल कंपैरिजन वीडियो होने वाला है कि आप लोगों में से कौन कौन जो है CVR लेना चाहिए एंड किसको जो है R5M लेना चाहिए। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो है दबा दीजिए। वीडियो को जो है आप लोग एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है एज़ कम्पेयर टू यामा R5M या फिर CVR 150R होंडा की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी लुक्स की, तो दोनों का लुक्स जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, लेकिन CVR का जो लुक है वो स्पेशली मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू R5M। एंड साइड का जो लुक है वो भी CVR का थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू R5M, लेकिन R5 V3 का जो है लुक CVR से अच्छा दिखाई दे रहा था। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस दोनों की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो सबसे पहले अगर हम लोग R5M की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो इसमें जो है हम लोगों को TFT डिस्प्ले मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई देने वाला है, जो कि कलरफुल वाला हो रहा है एंड काफ़ी इसमें हम लोगों को फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है लीक्स के माध्यम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है हम लोगों को राइडिंग मोड्स मिलेंगे, जो कि जिसका कि स्विचेस जो है हम लोगों को हैंडल के पास मिल रहा है। ठीक है, एंड इसका जो लुक है इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सूट करने वाला है एंड इसका जो कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई देने वाला है। बात करें अभी अगर हम लोग CVR 150R की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसका जो है हम लोग को फुल LED में मिलने वाला है, लेकिन ये जो है TFT में नहीं मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा बस कलरफुल वाला मिलेगा लेकिन फुल्ली TFT वाला नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसमें भी जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं एंड सारे जो फीचर्स जो जो कुछ भी चाहिए इसमें हम लोगों को मिल रहे हैं। एंड दोनों ही गाड़ी में हम लोगों को ब्लूटूथ का जो कनेक्टिविटी है दोनों ही गाड़ी में मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग R5M की बात करें तो उसमें जो है हम लोगों को ब्लूटूथ के साथ नेविगेशन का ऑप्शन भी शायद से मिल जाएगा। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना आप लोगों में से कौन 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 जो R5M का डिस्प्ले को ज़्यादा पसंद कर रहे हो या फिर CVR के डिस्प्ले को ज़्यादा पसंद कर रहे हो। अभी जो है अगर हम लोग इसकी इन दोनों की कलर्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम लोग R5M की बात करें तो इसमें जो है हम लोग को तीन कलर्स मिल रहे हैं, जो कि पहली वाली होने वाली है ब्लू कलर, जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लू कलर। बस अभी अगर हम लोग इन दोनों बाइक्स की कलर्स की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग R5M की बात करें तो इसमें हम लोगों को तीन कलर्स ज़रूर से ज़रूर मिलने वाले हैं। दो कलर्स तो लीक हो चुके हैं, तो सबसे पहली हमारी लिस्ट में कलर आती वो है कि सिल्वर और ब्लैक कलर, जिसमें हम लोगों को ब्लू कलर्स के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं एंड गाड़ी जो है इस कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड दूसरी जो सबसे अच्छी मेरे को लग रही है R5M में वो रहने वाली है कि यहाँ पे जो डार्क नाइट मॉन्स्टर एडिशन है वो एडिशन जो है मेरे को काफ़ी पर्सनली अच्छा लग रहा है। एंड तीसरी जो कलर है हम लोगों को यहाँ पर रेड कलर में मिलने वाली है, जो कि नॉर्मल आने वाली है। एंड गाइस R5 में हम लोगों को दो वेरियंट्स मिलने वाले, जो नॉर्मल R5 एंड R5M, एंड R5M में जो है तीन कलर्स मिलेंगे एंड R5 में जो है हम लोगों को दो कलर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी जो है अगर हम लोग कंपेयर करें CVR के साथ, जो CVR जो है अगर इंडिया में ये लॉन्च होती है, तो इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लीक्स के माध्यम से मैं बता रहा हूँ दो ही कलर्स मिलने वाले हैं। एक तो है एक फ्री रेड कलर, जिसका नीचे का जो पार्ट है वो वाइट एंड पीछे का जो पार्ट है वो ब्लैक कलर में मिलेगा, एंड फुल्ली यहाँ पे जो है हम लोगों को इसका जो एलॉय व्हील्स है वो भी हम लोगों को ब्लैक में मिलेगा। एंड दूसरी जो कलर है वो होने वाले है डार्क नाइट जैसा एक दिखाई दे रहा है इस कलर में, ये जो कलर है ये आप लोगों को मेट कलर में दिखाई देगा एंड काफ़ी अच्छा ये कलर मेरे को पर्सनली लग रहा है। बस उसके बाद हम लोग बात कर ले इन दोनों गाड़ियों का जो है क्या कुछ CC वगैरह में हम लोगों को मिल रहा है एंड क्या कुछ स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग CVR की बात करें, तो CVR में जो है हम लोगों को 149 cc का इंजन मिल रहा है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 16.9 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है 13.7 bhp की एट 8000 rpm। एंड गाड़ी जो है हम लोगों को 6-speed गियर बॉक्स में मिलेगी, जो कि सिंगल सिलेंडर होने वाली है। एंड अगर हम लोग इसके किलो वेट की बात करें, तो इसका जो वेट है वो रहने वाला है 147 किलो। ठीक है, डिस्क साइज़ वगैरह जो है लगभग सेम रहने वाली है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं मिलने वाले, लेकिन जो फ्यूल टैंक है उसमें जो है CVR की जो फ्यूल टैंक है उसमें हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू R5M।
ठीक है। सो इन दोनों का जो प्राइसिंग है मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। सो अभी जो है अगर हम लोग R15M की बात करें तो इसका जो सीसी है हम लोगों को 155.1 cc का इंजन मिल रहा है, जो कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम से मिल रहा है। एंड जो है हम लोगों को यहाँ पे 18.6 BHP का पावर मिल रहा है, जो कि 10,000 RPM में मिल रहा है। एंड 14.1 NM का टॉर्क जो है हम लोगों को मिल रहा है। दोनों ही गाड़ियाँ हम लोगों को 6-speed गियर बॉक्स में मिलती है, जो कि सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन हो रही है। एंड अगर हम लोग अभी जो एक एडवांटेज यहाँ पे R15M में जो मिलेगा वो है कि यहाँ पे जो है हम लोगों को 142 किलो का जो है कार्बोरेट यहाँ पे मिलेगा, एंड जो है 11 लीटर का यहाँ पे जो है फुल टैंक मिलने वाला है। सो अभी जो है अगर हम लोग इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें तो लुक्स वाइज दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ही है, परफॉर्मेंस भी करने वाली है, ठीक है। लेकिन पावर के मामले में मेरे को जो लगता है कि CVR से R15M जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है, R15M का जो है पावर अच्छा लगेगा। एंड इसका जो टॉप हैंड है R15M का जो है CVR के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो गाइस, और एक डिसएडवांटेज की अगर हम लोग R15M की बात करें तो इसमें जो है हम लोगों को जो इंडिकेटर से वो LED में नहीं मिलने वाले, लेकिन जो CBR में है वो हम लोगों को LED में मिलने वाले। दोनों ही गाड़ी में हम लोगों को USD सस्पेंशन फ्रंट में मिलेगा, एंड जो पीछे का सस्पेंशन है वो हम लोगों को मोनोसोक सस्पेंशन मिलने वाला है। अभी जो है अगर हम लोग इन दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग R15M की प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो प्राइसिंग है 1,92,000 जो ऑन रोड प्राइस मैंने बताया था वो रहने वाला है R15M का। सो ये जो गाड़ी है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स 150 या फिर 200 cc के हिसाब से। लेकिन जो अगर हम लोग अभी CBR की बात करें तो इसका जो प्राइसिंग है R15M से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि इसका जो प्राइसिंग है 1,96,000 एक्सपेक्टेड जो रखा गया है, एक्सपेक्टेड है ये, मतलब कि श्योर नहीं है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है जो कि R15M से 4-5 हज़ार ज़्यादा होने वाली है। सो आप लोग गाइस मेरे को कमेंट्स में बताना आप लोगों में से कौन कौन जो R15M को पसंद कर रहे हो या फिर CBR के लुक्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हो। एंड पावर के मामले में मैं गाइस बताना चाहता हूँ कि दोनों गाड़ियों में से R15M का जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इंजन रिफाइनमेंट में R15M का जो इंजन है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू होंडा, ठीक है। सो अभी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि ये दो गाड़ी जो है आप लोगों को कैसा लगा, एंड कौन सी गाड़ी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड जो CBR का जो एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट किया जा रहा है वो 2020 के मिड में किया जा रहा है, मार्च नहीं तो अप्रैल के महीने में आप लोगों को ये गाड़ी इंडियन रोड्स में शायद से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है होंडा की तरफ से काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे निकाल के आ रही हैं, एंड उसमें जो है ये CBR भी शायद से आ सकती है, ठीक है। सो गाइस यही था कुछ वीडियो आज के, सो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो के ऊपर। सो आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों का फेवरेट जो बाइक कौन है, एंड जो है आप लोग जरूर यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो है दबा दीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।